मैं और मेरी सिस्टर दोनों आ रहे थे पुष्कर से अजमेर की तरफ आ रहे थे, तो नई चौपाटी को क्रॉस करते हुए दो लड़के थे पीछे की तरफ। मैं अपनी सिस्टर से बात करती हुई आ रही थी, हमें नहीं पता था कि कौन आ रहा है पीछे और कौन नहीं आ रहा है। तो जस्ट हम लोग, कोई भी नहीं था रोड पे, और जस्ट वो बिल्कुल इतना डिस्टेंस था, मेरी एक्टिवा ये थी और उनकी इनफील्ड ये थी, व्हाइट कलर की इनफील्ड थी। नंबर है RJ14ND2709, ये नंबर था गाड़ी का। और वो लोग, एक ने जो जिसने वारदात की उसने कपड़ा बांध रखा था मुंह पे और उसके बाल ऐसे खड़े खड़े थे, और पीछे वाले 20-22 साल का लड़का था, ज़्यादा उम्र भी नहीं थी उसकी। उन दोनों ने इजीली जस्ट पास में आए और एक तो बहुत अब्यूज़ वर्ड यूज़ किया, और मेरे गले में चेन बाहर की तरफ ही दिख रही थी, जो मेरे 3.5 ग्राम की चेन थी उसको इजीली उन्होंने तोड़ा, और तोड़ के बदतमीजी करके वो लोग आगे की तरफ चले गए। उनको ऐसा लगा मैं उनको फॉलो नहीं करूँगी, जितनी स्पीड में वो लोग गए उतनी स्पीड में ही मैंने उनके पीछे गाड़ी लगाई, तो उनको ऐसा लगा कि मैं नहीं फॉलो करूँगी। तो उन लोगों ने क्या किया, गुलमर्ग के आगे वाला जो खालों की तरफ जो जाता है, रेस्टोरेंट खालों की तरफ जो वे जाता है, तो उन लोगों ने उस तरफ रोक ली गाड़ी, अंदर की तरफ गए। तो खालों की तरफ वहाँ जाके एक जो डिवाइडर आता है, डिवाइडर के वहाँ पे मैंने उनको देखा, तब वहाँ पे उसने स्कार्फ हटा रखा था अपना, उसने स्कार्फ हटा रखा था। तो मैंने उसको बोला कि तू गाड़ी रोक यहाँ पे, तो पीछे वाला मतलब देख कर बहुत डर चुके थे वो लोग कि ये क्या हो गया कि एकदम से ये लोग कैसे पहुँच गए। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि देखा मेरी तरफ, और उन लोगों ने क्या रॉन्ग साइड से गाड़ी घुमा के और वो बहुत स्पीड से लेके चले गए, और वहाँ पे उन्होंने गाली गलौज करके रफा दफा हो चुके थे वहाँ पे वो लोग। हाँ, उनका भी सेम, मतलब मैं रिपोर्ट करवाने गई थी तो मुझे वहाँ पे पता चला कि सेम यही नंबर था, वो बंदी पहचान नहीं पाई थी लेकिन इतना नंबर, लेकिन उसने 2708 बताया और मेरा नंबर 2709 है, और उसकी भी बुलेट इनफील्ड ही थी। अब आई थिंक वो बता रही ब्लैक थी और मेरी वाली वाइट थी, तो वारदात ऑलमोस्ट, हाँ मैंने मुकदमा दर्ज करवा दिया, मैंने क्रिश्चियन गंसाले पे मुकदमा दर्ज करवा। स्वाति चौहान। दिन प्रतिदिन अजमेर में अपराध की जो घटनाएं हैं, वो चाहे चोरी की घटनाएं हो या चेन स्नेचिंग की हो या और कोई मारपीट की घटना हो, उसी के क्रम में आज अजमेर में कल एक घटना हुई थी, उसी क्रम में आज एक पुनः हमारे जो मेरे वार्ड की निवासी छात्रा है स्वाति चौहान, उसके साथ एक ये घटना घटित हुई है। ये अपनी बहन के साथ में पुष्कर से अजमेर की ओर आ रही थी, तो इनके साथ में HKH स्कूल के पास जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे कुछ अज्ञात बदमाशों ने बुलेट से पीछा करते हुए इनको, इनके साथ में चेन स्नेचिंग की घटना करी और इनके इनके साथ में बदतमीजी करी और इनके साथ गाली गलौच वगैरह इस तरह की हरकत भी की, और साथ ही ये तो चेन इनके मतलब गाड़ी वगैरह ऊपर ला के इनके साथ में इतना डरावना वो किया कि ये तो ठीक है, बच्चियाँ ठीक थी तो कुछ दुर्घटना वगैरह नहीं हुई, नहीं तो इनको इनकी आत्मरक्षा भी नहीं हो पाती और कुछ ना कुछ दुर्घटना होके ये बड़ा हादसा हो सकता था। और मैं प्रशासन की इसमें, मैं SP साहब से और आपके चैनलों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं अजमेर में दिन पे दिन ग्राफ जो है बढ़ता ही जा रहा है, इसके लिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए, और साथ ही जो मतलब जो इस तरह की महिलाएँ छात्राएँ या जो लड़कियाँ हैं उनको एक ये अपील करता हूँ कि अगर आप जो गहने वगैरह पहन रही हैं या तो आप उसको दुपट्टे से या किसी चीज़ से लपेट के रखें, या फिर आप उनको मतलब अपनी जान को जोखिम में ना डालते हुए आप घर पे ही पहने या किसी फंक्शन ओकेजन में पहने तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि ये घटनाएं रुक तो नहीं रही हैं, और इससे प्रशासन और जो पुलिस की जो पुलिसिंग है, स्मार्ट पुलिसिंग है, उस पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ये तो ठीक है कि आज वो चेन तोड़ के ले गए और हो सकता है ये कहीं गिर जाती, इनके कुछ मतलब बड़ी दुर्घटना होने की वजह से इनके प्राण भी जा सकते थे, तो मेरा यही अपील है कि इसकी घटनाओं पर तुरंत अंकुश लगाया जाए, और जो भी इन्होंने बताया है, हुलिया बताया है, गाड़ियों की पहचान की है, जैसे जयपुर नंबर की गाड़ियां हैं, तो ये मेरे को लगता है कोई ना कोई संगठित अपराध जो गिरोह है वो इस तरह का मिलके ये कार्य कर रहा है, तो इन पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। और जनता की भागीदारी भी ये बनती है कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो जिस व्यक्ति के साथ भी ये घटना होती है उसको तुरंत उसकी सहायता की जाए, निडर होके पुलिस को बताया जाए कि इस तरह का, उसमें डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस निश्चित तौर पे उनकी मदद करेगी। राजेंद्र सिंह राठौड़, पार्षद, वार्ड नंबर 47, अजमेर।